नमस्कार जो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लाडले राजेश श्रीवास्तव जी, प्यारे कॉमेडी किंग, हंसी के मुखिया, आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। हालांकि उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा, जब तक हंसी, जब तक लाफ्टर दुनिया में रहेगा, जब तक हंसना हंसाना रहेगा, तब तक उनका जिक्र बड़े शान से किया जाएगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टेलीविज़न देखा जाता है, वहाँ वहाँ हिंदी समझने वाले, खासकर उस घर में कॉमेडी प्रोग्राम रोज़ाना राजेश श्रीवास्तव जी का कहीं ना कहीं आता है और पूरे घर को वो फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी से लोगों को हंसाते हैं। साफ सुथरी कॉमेडी से, पारिवारिक कॉमेडी से, उनके कॉमेडी में बच्चा भी हंसता है, बुजुर्ग भी हंसते हैं, पूरा परिवार एक साथ हंसता है। ऐसे में आज उनका जाना जो है, वो हर घर का, हर परिवार का दुख का कारण बना हुआ है। उनके परिवार को तो दुख है ही, हम सब कॉमेडी के परिवार को तो दुख है ही, हास्य जगत को तो है ही, लेकिन घर घर में जहाँ जहाँ वो आकर हंसाते थे टीवी के जरिए, क्योंकि उनके बाद जब वो टीवी पर आए, उसके बाद बहुत सारे कलाकार उस शो के माध्यम से अपना काम करने लगे, अपना परिचय बनाने लगे, जिसमें बहुत सारे कलाकारों ने अपना बहुत बड़ा बड़ा नाम भी बनाया। राजेश श्रीवास्तव जी उसी श्रृंखला की शुरुआत के कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि महासागर थे कॉमेडी के। लेकिन मैंने सुना कि कुछ एक दो बदतमीज कॉमेडियन है, कॉमेडियन तो नहीं कह सकता मैं उनको, बदतमीज लोग हैं, उनका नाम अपनी जबान से लेके मैं माहौल को और आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने राजू जी के बारे में कुछ भद्दी टिप्पणी की है, कुछ गलत सलत बोला है, तो मैं ईश्वर से पहले तो प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। और दूसरा, आप सभी जानते हैं दुनिया में इज्जत बहुत कम लोगों को मिलती है, और जिसको इज्जत मिलती है वो इज्जत देना जानता है। इज्जत उसी को, वही दे सकता है इज्जत जिसके पास इज्जत होती है। जिसके पास नहीं होती, वो बेचारा चाह कर भी इज्जत नहीं दे सकता, है ही नहीं उसके पास, ना उसके पास, ना उसके परिवार के पास, ना खानदान के पास। आपने गलत टिप्पणी करके अपने बाप का अपमान किया है, अपने बाप का, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे पिता पर जाता है कि शायद बाप ने कोई अच्छी बात नहीं सिखाई। बच्चे वही करते हैं जो बाप करता है, तो आप अपने बाप को पूछो कि आपको उसने अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सिखाई। उन्होंने, आप राजेश श्रीवास्तव जी के बारे में बोल रहे हो भद्दी टिप्पणी, वो आसमान है, कॉमेडी के आसमान, कई सितारे उनके उस आसमान में टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तारे सितारे बनते हैं, और तुम जमीन के कीड़ों, जमीन के कीड़े, गटर के कीड़े। एक्चुअली मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि गटर का कीड़ा है, खानदानी परेशान है, बदनाम है, पढ़ा लिखा जाहिल है, अनपढ़ है, दो कोड़ी का है। और राजू भाई के बारे में भद्दी टिप्पणी करने से पहले ये समझ चुका हूँ मैं कि उसके पास वही फैमिली टू फैमिली चलता आ रहा है जो वो दे रहा है। तो भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, वरना कॉमेडी वॉमेडी तो आती ही नहीं, कुछ भी गाली गलौज कर देते हो, कुछ भी बकवास कर देते हो, बदतमीजी कर देते हो, महान महान लोगों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो। थोड़ा सा सोशल मीडिया और थोड़ा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ गए, OTT प्लेटफॉर्म आ गए, जहाँ गाली गलौज चल जाता है, वहाँ तुम लोगों को थोड़ा सा काम क्या मिल गया, तुम लोग अपनी औकात भूल गए। शेर है ना, कितने कमज़ोर भैया गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब पा जाते दो कोड़ी का काम अपनी औकात भूल जाते हैं। तो राजू जी महान थे, महान हैं, हम सब ईश्वर के लिए, ईश्वर के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने यहाँ भी हंसाया और वहाँ भी हंसाया, सिवाय हंसाने के उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया। और तुम जो अपमान करते हो, अपने आप को कॉमेडियन कलाकार कहते हो, कॉमेडियन कलाकार हो तुम तो, आतंकवादी,
जीते जागते आतंकवादी जिंदा लाश हो, तो कोई फीलिंग्स नहीं तुम्हारे, कोई कोई संस्कार नहीं, बेकार गए तुम्हारे माँ बाप के पैसे जो तुमको पढ़ाया लिखाया। अपने माँ बाप को बोलो ऐसा, बोलो, उनका अपमान करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दुनिया में लाया ना, और दुनिया में आए तुम, उन्होंने खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, आज तुम थोड़ा बहुत इंग्लिश उंग्लिश हल्की उल्की बोल लेते हो, गाली गलौज करके छोटा पटा जो भी 5-10 मिनट लोगों को गंदा संदा हंसा लेते हो, रोस्ट करके कुछ करके, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार्क बन गए। राजू श्रीवास्तव को जानते क्या हो तुम? एक महान आत्मा के लिए धरती का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, राजू श्रीवास्तव सबसे बड़े, 2-2, 2.5-2.5 घंटे परफॉर्मेंस करते, तुम्हारी सांसें फूल जाएगी, तुम्हारी हालत देखे तुम्हारे खानदान की सांसें फूल जाएगी। ये वो ऑडियंस नहीं है जहां पर तुम्हारी गाली गलौज सुन ली जाए, जहां तुम्हारी बदतमीजी सुन लिया जाए। OTT प्लेटफॉर्म पर थोड़ा बहुत चल रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है, ऊपर वाले का तुम्हें शैतान का शुक्रिया अदा करो, जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो, शैतान की देन हो तुम लोग, और चलाओ अपना काम जो भी चल रहा है, मत भूलो इतने महान कलाकार ने इतना हंसाया, आज पूरी दुनिया उनके लिए आंसू बहा रही है, तुमने उन तो कुछ भी नहीं किया। जब तुम कुत्ते की मौत मरोगे, सॉरी कुत्ते के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुत्ते का अपमान भी हो रहा है, तुम्हें कुत्तों से भी नहीं जोड़ सकता मैं, जब तुम मरोगे सोचो तुम्हारे लिए कोई थूकने वाला भी नहीं होगा, रोने वाला भी नहीं होगा, और कोई गलती से रोएगा तो चेक करना उसके खुशी के आंसू होंगे। वो बेवकूफ कहीं के, द ग्रेट राजेश श्रीवास्तव महान है, महान थे और महान रहेंगे, जब तक दुनिया में हंसना है तब तक राजेश श्रीवास्तव अमर है। स्टैंड अप कॉमेडी का दूसरा नाम है, OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देखो, सोशल मीडिया पर जाकर देखो, उनसे ज़्यादा कंटेंट किसी और का नहीं है। मैं उन्हें नमन करता हूँ और तुम्हें वार्न करता हूँ, तमीज सीखो नहीं तो बहुत बहुत डंडे पड़ेंगे तुम्हें, और तुम्हारी मंजिल ही है जेल, जेल जाके खूब तुड़ाई की जाए तुम्हारी, यही तुम्हारी मंजिल है। बहुत ज़्यादा तुम अकड़ रहे हो ना फालतूगिरी के सक्सेस में, वो सक्सेस असली नहीं है, नकली सक्सेस लेके घूम रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि चार लोग जो OTT वाले जो और बेचारे चार छोटे मोटे जो देख रहे हैं तुम्हें हंस रहे हैं, बदतमीज कहेंगे।